स्टेशन मी अंजलि श्रीवास्तव। आज मैं आपसे एक DIY प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगी। मेरे पास एक प्लास्टिक की ट्रे है, ये देखिए, ये करीब 24 ईयर पुरानी है। ये मेरी माँ की ट्रे है, उन्होंने मुझे दी थी एक टाइम में, तो ये काफ़ी यूज़ होती है, बट इसके काफ़ी सुंदर फ्रेम थे वो अब रिमूव हो गए हैं और मैं इस पर कुछ क्रिएटिव करना चाहती हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है कि प्लास्टिक पे पेंट करने से आपका कलर हट जाता है, तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। तो इसको आप कैसे करो ये आज मैं आपको बताऊँगी, और सबसे ईजी वे में बताऊँगी, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है, आप पूरा वीडियो देखना। तो मेरे पास ये जो ट्रे है, इसके लिए मैंने सोचा था पहले प्राइमर लगाऊँ। एक प्राइमर आता है, वुड प्राइमर आता है, प्लास्टिक प्राइमर भी आता है, तो प्लास्टिक प्राइमर लगाने के बाद हम कलर कर सकते हैं, बट इस टाइम मेरे पास प्लास्टिक प्राइमर नहीं है। तो मेरे पास जो सामान अवेलेबल है आज मैं उसे बताऊँगी। तो मेरे पास इस टाइम स्प्रे पेंट है। स्प्रे पेंट सब जानते हैं, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी फाइन आर्ट शॉप में या जहाँ पे आर्ट का सामान मिलता है, कलर्स मिलते हैं, फैब्रिक कलर्स, एक्रेलिक कलर, ब्रश, वहाँ मिल जाएगा। अदरवाइज आप ऑनलाइन मंगा लीजिए। मैंने ये अमेज़ॉन से मंगाया है, बिकॉज हमारे एरिया में लॉकडाउन है तो हम सारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन या ऑनलाइन मंगा रहे हैं। ये मेरे पास पहले से था तो मैं इसको यूज़ करूँगी। गोल्डन कलर का है, तो इसको यूज़ करने में क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको स्प्रे इक्वल वे में करना है। स्प्रे करने के लिए हमें थोड़ा ऐसे रखना है और एक डिस्टेंस से एक ही डायरेक्शन में करते जाना है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो ये आपको दो कोट में करना है, जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए तब हम उस पर एक्रेलिक कलर कर सकते हैं। और एक्रेलिक कलर करने के बाद वो उसको चेक करना, निकलेगा नहीं, वो स्टिक हो जाएगा। अगर आप इसको प्लास्टिक पे स्प्रे पेंट नहीं लगाएंगे या कोई प्राइमर नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट कलर करने से क्या होता है, कलर निकल जाता है। तो बेस तैयार करना है हमें प्लास्टिक के लिए, एक बड़ा टफ चीज़ था बट अब बहुत इजी हो गया मेरे लिए, ये आइडिया मुझे आया। तो मैं ये आपको करके दिखाऊँगी स्टेप बाई स्टेप गाइडेंस है, आप पूरा फॉलो करिए। तो लेट्स स्टार्ट।